आज पुष्कर विधायक सुरेंद्र सिंह रावत का जन्मदिन है और भाजपा के जो पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में आज उनका जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज वैष्णव धर्मशाला में जो शेल्टर होम चल रहा है वहां पर साधु संतों को बिस्किट और फल देकर सुरेंद्र सिंह रावत का जन्मदिन मनाया गया है और साथ ही उनकी दीर्घायु होने की कामना की है। हमारे साथ जो भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष ओम जी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस तरह ये जन्मदिन मनाया जी, बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय विधायक श्री सुरेश सिंह जी रावत का जन्मदिन है। उसी उपलक्ष्य में सूर्यनारायण पाराशर जी के नेतृत्व में राजेंद्र मावर, जिला मंत्री जितेंद्र पाराशर, ओम प्रकाश पाराशर सभी ने भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से जो यहाँ वैष्णव धर्मशाला में शेल्टर होम में जो संत महात्मा निवास करते हैं उनको दो दो केले, सेब और दो दो बिस्कुट के पूड़े ये वितरित किए गए, इसलिए कि हमारे विधायक की दीर्घायु है, उनकी कामना मनोकामना पूर्ण होए और आगे से आगे उन्नति करे। हमारे बीच जो भाजपा के जिला मंत्री राजेंद्र मावर भी मौजूद है, जो विधायक जी को कुछ शब्द कहना चाहेंगे, विधायक जी के लिए बताइए जी। हमारे सम्मानीय विधायक श्री सुरेश सिंह जी रावत का जन्मदिन है, हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हार्दिक बधाई देना चाहते हैं और उनके मंगलमय जीवन के लिए उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। तो ये थे जिला मंत्री राजेंद्र मावर जो कि बता रहे थे कि पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत के नेतृत्व में पुष्कर में पूर्व में भी अच्छा विकास हुआ है और उनके जो दीर्घायु है उन्हें की कामना करते हैं। पुष्कर से दिलीप नागरा साहब, सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज। सुरेश सिंह जी रावत हमारे विधायक जी का जन्मदिन है, इसलिए उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए हमने यहाँ ठहरे हुए सभी संतों को केले, फल, सेम और बिस्कुट बांटे और पुष्कर राज बीमारी से प्रार्थना करते हैं इस कोरोना जैसी महामारी को जल्दी से जल्दी निपटाए और हमारे देश में सारी सुख शांति।